नमस्कार दोस्तों, संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्यपाल, उसी को हम शुरू करने वाले हैं। लूसेंट जीके की सीरीज चल रही है, भारतीय संविधान ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया जा रहा है। इसे पढ़ने के बाद कोई भी एग्ज़ाम हो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए लूसेंट का जो कंटेंट है पूरा, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो राज्यपाल शुरू करने वाले हैं। आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, हमारे संविधान का जो भाग 5 था वो ख़त्म हो चुका है। संघ शासन व्यवस्था के अंदर जो भी चीज़ें आ रही थी, संघीय केंद्रपालिका आपने पढ़ा, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब आपने पढ़ा, और केंद्र की जो विधायिका थी अर्थात संसद के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद केंद्र की न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। अब वही चीज़ शासन राज्य शासन में भी है, अर्थात राज्य में भी कार्यपालिका है, अर्थात वो राज्य की कार्यपालिका होगी। उसके बाद राज्य की विधानमंडल अर्थात राज्य की विधायिका, और राज्य में भी न्यायपालिका होती है ना, एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 6 राज्य शासन व्यवस्था के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 तक ये पूरा जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, और राज्य के महाधिवक्ता आते हैं। जिस प्रकार वहाँ पे राष्ट्रपति थे, यहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगे। वहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद थी, तो यहाँ राज्य की मंत्रिपरिषद हो जाएगी। वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, यहाँ मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वहाँ पे महान्यायवादी थे, जो केंद्र के सबसे बड़े वकील के रूप में थे महान्यायवादी, उसी प्रकार यहाँ पे राज्य के महाधिवक्ता हो जाएंगे, जो कि राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। ठीक है, कुल मिला जुला के यही है। देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। शुरू करने से पहले बता दूँ, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमें। टेलीग्राम का पर्सनल ग्रुप अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो @currentaffairsbyravi लिखकर सर्च कर लीजिए। अगर चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं @shreeeducation लिखकर सर्च कर लीजिए, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल में सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन से आर्टिकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सीरियल वाइज बताए जाएंगे। सबसे पहली बात है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये व्यवस्था की गई थी। आर्टिकल 153 में ये लिखा हुआ था कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, उसमें ये संशोधन इसमें कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ था आर्टिकल 153 में कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके तहत आर्टिकल 153 में ये बात और जोड़ दी गई कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो एक ही व्यक्ति को पूरे राज्यों का, सभी राज्यों 28 के 28 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इतनी पावर है उनके पास। उसके बाद एक परंपरा है, वो चलती आ रही है, उसका ख्याल रखिए आप, कि किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। संवैधानिक तौर पर ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ये परंपरा चलती आ रही है, आमतौर पर ऐसा किया नहीं जाता। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बार इसका उल्लंघन हुआ है। एक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, उन्हीं को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन जब भी राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहीं वो उस राज्य से बिलोंग तो नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिए। तो आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं योग्यता, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसका उल्लेख आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 में किया गया है। दोनों ही आर्टिकल महत्वपूर्ण है राज्यपाल की योग्यता से संबंधित। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में केवल दो बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या? पहली बात यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल 157 में योग्यता से संबंधित केवल और केवल दो बातें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 158 में क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 158 में ये लिखा हुआ है, राज्यपाल संसद और जो राज्य की विधानमंडल है उसका सदस्य नहीं होगा। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, और राज्य की विधानमंडल जो है, राज्य में
जो विधानमंडल है अर्थात राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद सब जगह नहीं है, केवल 7 प्रदेशों में है, 7 राज्यों में है। उसके बाद देखिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि किसी संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो पद ग्रहण करने की तिथि से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। आर्टिकल 158 में साफ तौर पर प्रावधान किया गया है कि जो राज्यपाल होते हैं वो ना ही कोई सांसद होंगे और ना ही विधायक होंगे, अर्थात ना ही संसद से बिलोंग करेंगे ना ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे। लेकिन अगर वो हमारे सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, ज्यों ही वो राज्यपाल का पद संभालेंगे उनकी दूसरी वाली पोस्ट रिक्त हो जाएगी, अर्थात सांसद और जो विधायक अगर पहले से हैं तो वो पोस्ट उनकी रिक्त हो जाएगी। इसके साथ ही आर्टिकल 158 में ये भी लिखा हुआ है कि कोई लाभ का पद नहीं ले सकते, राज्यपाल का पद लेने के बाद कोई लाभ का पद नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 158 में ये भी प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल का वेतन और उनको देने वाले भत्ते उनका निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस बात का भी उसमें उल्लेख किया गया है कि पद पर रहते हुए इनके वेतन में कोई कमी नहीं की जा सकती है। हाँ, हालांकि अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कमी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3.5 लाख रुपये, 3,50,000 रुपये वेतन होता है राज्यपाल का, वर्तमान में कंडीशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। आर्टिकल 155 में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिए, राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि करते हैं, अर्थात राज्यों में रिप्रेजेंट करते हैं किसको, केंद्र को। हमारे जो राज्यपाल होते हैं ना, वो केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने राज्यों में, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसी कारण से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति कोई भी काम किसकी सलाह पर करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। ये तो बहुत बार आपको बता दिया गया, आपको मालूम भी होना चाहिए। उसके बाद शपथ कौन दिलाता है भाई, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। इसका प्रावधान हमारे संविधान में आर्टिकल 159 में किया गया है साफ तौर पर कि राज्यपाल को शपथ उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाएंगे। जिस भी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया गया है उस राज्य की हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और बात आप याद रखिए, पहले भी हम बता चुके हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा अर्थात संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। उसके बाद ये याद रखिए, कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का। कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल आम तौर पर 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह से उनको हटा सकते हैं, राज्यपाल के पद से हटा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ऑप्शन में अगर आए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और दूसरा ऑप्शन आए 5 वर्ष होता है, तो आप पहला ही ऑप्शन चूज करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन्हें अपने पद से हटा सकते हैं, याद रखिएगा। और वैसे आम तौर पर अगर इन्होंने राष्ट्रपति ने नहीं हटाया तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए। आर्टिकल 156 में ये उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, ये भी नोट कर लीजिएगा। हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा इसका उल्लेख नहीं है, मगर प्रैक्टिकली होता यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को हटाते हैं और उनका ट्रांसफर भी वही करते हैं। उसके बाद एक नोट लिख लीजिएगा, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसे दिया जाने वाला वेतन और भत्ता उन राज्यों के मध्य किस अनुपात में आवंटित किया जाएगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये बात आर्टिकल 158 में साफ तौर पर लिखी हुई है, मतलब आप समझ रहे कि नहीं। मान लीजिए एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का हमने राज्यपाल बनाया, अब उनको वेतन दोनों राज्य मिलके देंगे, कौन राज्य कितना देगा ये निर्धारण कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, आर्टिकल 158 में इसका उल्लेख किया गया है।
उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्यपाल के पास कितनी पावर है और उनके क्या-क्या कार्य हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो इनके कार्य और इनकी शक्तियों को हम चार भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी इनके पास क्या शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, महाधिवक्ता आते हैं और भी कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी आते हैं। तो उनसे संबंधित राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं, वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आप देखेंगे। इसके अलावा व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, अर्थात राज्य की जो विधानमंडल है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, उसके आसपास राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, उनके क्या कार्य हैं, वो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों और कार्य में आप पढ़ेंगे। उसके अलावा वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, फाइनेंस के क्या पावर है इनके पास, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं, इनके पास भी जुडिशियल पावर होती है, कौन कौन सी है, वो हम चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे। तो सेल वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी क्योंकि राष्ट्रपति आपने पढ़ा हुआ, उसी के सब सिमिलर हैं। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ में सबसे पहले आर्टिकल आपको 154 याद रखना है। आर्टिकल 154 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं और जिनका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों मतलब जैसे हमारी राज्य की मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं, मंत्रिपरिषद के द्वारा करते हैं। ये बात आर्टिकल 154 में लिखी हुई है और यही बात राष्ट्रपति के लिए भी कही गई है कि केंद्रीय कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं जिनका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं। अगर नहीं पढ़ा आपने तो राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ लीजिए। उसके बाद आर्टिकल 163, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होगी और उसके शीर्ष पर अर्थात उनका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और यही राष्ट्रपति के लिए भी कहा गया था कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होगी जिनका मुखिया या इसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे। तो वही सिमिलर है, सब पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, आर्टिकल 163 में एक बात और लिखी हुई है, क्या राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, परंतु राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दे दी, राज्यपाल को उसी के अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्वविवेक की जो शक्तियां हैं, जो खुद का दिमाग लगा के जो काम करने के लिए शक्तियां हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल में अगर तुलना करेंगे तो राज्यपाल में स्वविवेक शक्तियां अधिक होती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा होती है। जब मुख्यमंत्री को नियुक्त कर लिया जाता है तो मुख्यमंत्री सिफारिश करते हैं, सलाह देते हैं राज्यपाल को कि इन इन मंत्रियों को नियुक्त किया जाए। तो उन मंत्रियों को अर्थात मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त राज्यपाल के द्वारा कर लिया जाता है, क्योंकि मंत्रियों का समूह ही तो मंत्रिपरिषद कहलाता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही बात तो राष्ट्रपति के लिए भी थी कि राष्ट्रपति क्या करते थे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते थे और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 164 में एक और बात लिखी हुई है जो राष्ट्रपति के लिए नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों में एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करना अनिवार्य है राज्यपाल के लिए। अर्थात चार स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों में एक ट्राइबल मिनिस्टर की नियुक्ति करना अनिवार्य है, कंपलसरी है राज्यपाल के लिए कि इन चार राज्यों में एक ट्राइबल मिनिस्टर की नियुक्ति की जाए। हालांकि जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्द नहीं थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड इनका
गठन तो बाद में हुआ है, बिहार में से तोड़ के बनाए गए हैं ये। तो पहले क्या था, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा था। लेकिन 2007 में 94वां संविधान संशोधन हुआ, अर्थात 94th अमेंडमेंट जो 2007 में हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड लिख दिया गया है बिहार की जगह। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। इसी प्रकार राष्ट्रपति के चैप्टर में भी था कि केंद्र की जो कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, वही इनके लिए भी है। उसके बाद आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन और विधायी विषयों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब राज्यपाल को अधिकार है, वो मुख्यमंत्री से जानकारी हासिल कर सकते हैं कि राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है और राज्य के जो विधायी विषय हैं उन पे किस तरीके से काम हो रहा, जो कानूनी काम हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये सब जानकारी राज्यपाल ले सकते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि उनको ये जानकारी दी जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल राज्य की जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो वाइस चांसलर होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। इसी प्रकार जो केंद्र के विश्वविद्यालय होते हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके वाइस चांसलर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन जो स्टेट के, जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, जो राज्य की यूनिवर्सिटी होती हैं उनके जो वाइस चांसलर अर्थात कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और इस बात का भी ख्याल रखिए कि जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं अर्थात कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 165 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ भी दिलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति क्या करते थे, महान्यायवादी की नियुक्ति करते थे, उसी प्रकार राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता आगे चैप्टर आएगा, वो अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति अर्थात विधायी शक्ति आप कह सकते हैं। इसमें बात आती है आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार आपको आर्टिकल 79 मैंने बहुत बार रिपीट करवाया था, आपको क्या कहा था कि संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ ही राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद का अभिन्न अंग होते हैं, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ था। और वही बात राज्यों के लिए भी लागू की गई है कि आर्टिकल 168 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, राज्य की विधायिका अर्थात राज्य की जो विधानमंडल है उसमें भी तीन अंग हैं। कौन कौन से, एक तो विधानसभा और दूसरा जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ वहाँ विधान परिषद भी, और तीसरा राज्यपाल। ठीक है, केवल 7 जगह विधान परिषद है, वो आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 333, आर्टिकल 333 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। और इसी प्रकार आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को नियुक्त करने का अधिकार अर्थात मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 331 में आपने पढ़ा होगा, तो राज्यपाल को यही अधिकार आर्टिकल 333 में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत किया जाएगा। जिस प्रकार संसद में केंद्रीय जो संसद है, जो केंद्रीय विधायिका है उसमें लोकसभा राज्यसभा होती है, लोकसभा निम्न सदन होता है ना, यहाँ भी विधानसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, और विधान परिषद उच्च सदन होता है, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 में साफ तौर पर ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्यों का 1/6 भाग को मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा जो भी सदस्य मनोनीत होंगे उनकी बात आर्टिकल 171 में की गई है। और यही बात आर्टिकल 80 में राष्ट्रपति के लिए कही गई है कि ये कहा गया है कि
राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और वहाँ भी लिखा हुआ है कि किस क्षेत्र से वो आएंगे, और यहाँ भी लिखा हुआ है किस क्षेत्र से आएंगे। वहाँ पे 4 क्षेत्रों की बात की गई है, यहाँ पे 5 क्षेत्रों की बात की गई है। मतलब आर्टिकल 171 जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधान परिषद अर्थात राज्यों की जो विधानमंडल का जो उच्च सदन है उनमें 1/6 सदस्य अर्थात कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत कर सकते हैं। जो साहित्य के क्षेत्र में नाम कमा चुके हों उनको, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से जो आगे होते हैं उन्हीं को मनोनीत किया जाता है। जबकि राष्ट्रपति केवल साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो सारी चीज़ें तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि विधानमंडल से पारित कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं। उसी प्रकार संसद में कोई भी विधेयक पारित हुआ है लोकसभा राज्यसभा से, लेकिन वो कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति साइन करेंगे। जब राष्ट्रपति के पास जाता था कोई विधेयक साइन करने के लिए तो क्या वो हमेशा साइन ही करते थे? नहीं, उनके पास 3 विकल्प होते थे ना, आर्टिकल 111 में आपको बताया था। उसी प्रकार आर्टिकल 200 में कोई भी विधेयक अगर दोनों सदनों से पास हो गया या एक सदन से पास हो गया, मतलब हर जगह तो 2 सदन है नहीं राज्यों में, ठीक है, अर्थात ये कहा जाए कि विधानमंडल से अगर कोई भी विधेयक पास हो गया उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा। और राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं जबकि राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन थे। राज्यपाल के पास एक ऑप्शन कौन सा एक्स्ट्रा है देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प ये है, स्वीकृति दे सकते हैं, ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास भी है कि स्वीकृति देंगे तो वो कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भी यही ऑप्शन था कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि हाँ आप इस पर फिर से चर्चा कीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा ये विकल्प था, ना स्वीकृति देते हैं ना ही इनकार करते हैं। उसी प्रकार उनके पास भी, राष्ट्रपति के पास भी यही ऑप्शन था कि वीटो पावर का इस्तेमाल कर ले, मतलब जेबी वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ भी इनके पास यही शक्ति है। और ये चौथा विकल्प इनके पास एक्स्ट्रा दिया गया, क्या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। अगर राज्यपाल को लगा कि जो विधेयक दोनों सदनों में या मतलब राज्य की विधानमंडल में पास हुआ है वो ये जो विषय है जिस विषय में इन्होंने कानून बनाने की कोशिश की है वो विषय अगर केंद्र सूची का विषय है तो वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। अब राष्ट्रपति उसके साथ क्या करते हैं वो उसका जिक्र आर्टिकल 201 में किया गया है। जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है विचार करने के लिए तो राष्ट्रपति ये घोषित करेंगे कि वह इस पर अपनी अनुमति देते हैं या कि अनुमति रोकते हैं, ठीक है। उस पर क्या होगा, वो हाँ करते हैं या ना करते हैं, वो बात आर्टिकल 201 में कही गई है कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि जो भी विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया है उस पर वो हाँ भी कह सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 213, वहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के चैप्टर में आर्टिकल 123 आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। उसी प्रकार राज्यपाल को भी आर्टिकल 200 के तहत ये शक्ति दी गई है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मतलब अगर विधानमंडल नहीं चल रही है, विधानमंडल की बैठकें नहीं हो रही हैं, तब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी कानून की आवश्यकता है राज्य में तो वो अस्थाई तौर पर कानून लागू कर सकते हैं राज्यपाल, ऐसा उनको अधिकार दिया गया है, उसी को कहा जाता है अध्यादेश। इसके बाद राज्यपाल को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का अधिकार है। जिस प्रकार लोकसभा में जब लोकसभा चुनाव होते हैं उसके बाद जो लोकसभा की पहली बैठक होती है उसमें कोई भी अध्यक्ष तो होता नहीं है, इसी कारण से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है जिसे अस्थाई अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। उसी प्रकार विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा की अगर पहली बैठक हुई उसमें भी कोई अध्यक्ष नहीं है तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कर दी जाती है। और प्रोटेम स्पीकर का 2 ही मुख्य काम होते हैं, पहला तो वो सभी सदस्यों को, उस सदन के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, और दूसरा
अध्यक्ष जो होते हैं उस सदन के, उनकी नियुक्ति करवाते हैं, उनका निर्वाचन करवाते हैं, मतलब वोटिंग के द्वारा सब वोट करके चुनते हैं, उसके बाद उन्हें चुना जाता है। हालांकि आप देखेंगे कि जो सत्ताधारी सरकारें होती हैं वही अपना सदस्य नियुक्त करती हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा में जो पार्टी जीत कर आई है उसी पार्टी से लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, वही बात इसमें भी है, राज्यपाल की कंडीशन में भी है, ठीक है, अर्थात विधानसभा की कंडीशन में भी है। उसके बाद करते हैं आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। आर्टिकल 85, 86, 87 राष्ट्रपति के लिए बताया था ना, वही बात यहाँ भी है। आर्टिकल 174, 175, 176, जो बात 85 में लिखी हुई है वही आर्टिकल 174 में लिखी हुई है राज्यपाल के लिए, कि राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाते हैं, अर्थात ये कहें सत्र आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं, जो विधानसभा की जो बैठकें हैं या विधानमंडल की जो बैठकें हैं उनको ख़त्म करवाना, उन सत्र की समाप्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है। और इसके अलावा पूरी विधानसभा को अगर भंग करना होता है तो राज्यपाल के द्वारा ही होता है, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो पूरी विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं। विधानसभा भंग मतलब राज्य में फिर से चुनाव होंगे, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं और विधानमंडल में संदेश भी भिजवा सकते हैं कभी भी। उसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 176। आर्टिकल 176 में ये कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा चुनाव के बाद के पहले सत्र को और हर वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते ही करते हैं, अर्थात जो बजट सत्र होता है उसका पहला दिन किसके नाम होता है, राज्यपाल के नाम होता है। राज्यपाल संबोधित करते हैं, अभिभाषण देते हैं कि सरकार की क्या उपलब्धियां रह चुकी हैं और आगे क्या निर्णय वो लेने वाले हैं, क्या उनका रणनीति है, वो सभी राज्यपाल पढ़कर सुनाते हैं। वही बात राष्ट्रपति के लिए भी था आर्टिकल 87 में, ठीक है। उसके बाद करते हैं आर्टिकल 191 में। आर्टिकल 191 में ये प्रावधान किया गया है कि जो विधानमंडल के सदस्य हैं, राज्य की विधानमंडल के सदस्य हैं, उन्हें किन आधारों पर उनकी अयोग्यता सिद्ध की जा सकती है, अर्थात कोई भी विधानमंडल का सदस्य किन आधारों पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्य घोषित किया जा सकता मतलब अब वो उस सदन का सदस्य बनने लायक नहीं है, किन आधारों पर, उसका उल्लेख आर्टिकल 191 में किया गया है। पहली बात ये कहा गया कि लाभ के पद लेने पर, अगर किसी विधानमंडल के सदस्य ने कोई लाभ का पद ले लिया तो उसे सदस्यता से हटाया जा सकता है, उसकी सदस्यता बर्खास्त की जा सकती है। किसके द्वारा बर्खास्त की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त की जाएगी। ये बात आर्टिकल 192 में लिखी हुई है। आर्टिकल 192 में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 191 के तहत अगर कोई भी सदस्य अयोग्य पाया जाता है, जो भी इसमें पॉइंट दिए गए हैं, जैसे लाभ का पद लेने पर, दिवालिया या मानसिक रूप से विकृत हो जाने पर, भारत की नागरिकता चली जाने पर, इन आधारों पर अगर कोई भी सदस्य अयोग्य पाया जाता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 192 में किया गया है। लेकिन अगर वो सदस्य दल बदल आधार पर अयोग्य पाया जाता है तो राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है उसकी सदस्यता को समाप्त करने का। तो उसकी सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होगा, उस सदन के अध्यक्ष के पास है। अगर दल बदल आधार पर कोई भी अयोग्य पाया जाता है या किसी ने दल बदल जो कानून है, जिस जो अनुसूची 10 में जिसका उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के अनुसूची 10 में, उस आधार पर कोई अयोग्य पाया जाता है या दल बदल कानून किसी ने तोड़ा है तो उस व्यक्ति को क्या सजा मिलेगी, ये निर्णय कौन लेंगे, उस सदन के अध्यक्ष लेंगे, मतलब जिस सदन में वो सदस्य रहता है, जिस सदन से बिलोंग करता है, उसके अध्यक्ष ही वो निर्णय लेंगे, राज्यपाल को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 191 और आर्टिकल 192 में बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी सदस्य ने लाभ का पद ले लिया या वो दिवालिया या मानसिक रूप से विकृत हो गया या उसकी भारत की नागरिकता चली गई तो इन आधारों पर विधानमंडल का सदस्य के लिए वो अयोग्य हो जाएगा, उसकी विधानमंडल की जो सदस्यता है वो छीन ली जाएगी। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल को ये अधिकार आर्टिकल 192 में मिलता है, ठीक है। तो
तो आर्टिकल 191 और 192 में दोनों को लिंक करके पढ़िएगा। लेकिन दल बदल के आधार पर भी उस सदस्य की अयोग्यता अर्थात उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है, ऐसा आर्टिकल 191 में लिखा है। लेकिन उसकी इस सदस्यता को छीनने का अधिकार केवल उस सदन के अध्यक्ष को है, ना कि राज्यपाल को है। ठीक है, तो आर्टिकल 191 और 192 में क्या फ़र्क है आपको समझ में आ गया होगा। 191 में ये बताया गया है कि सदस्यों की जो सदस्यता है वो किन आधारों पर छीनी जा सकती है, जबकि आर्टिकल 192 में ये बताया गया कि सदस्यता राज्यपाल के द्वारा छीनी जाएगी। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों में देखिए आर्टिकल 199 में, 199 में राज्य की धन विधेयक है, राज्य के लिए धन विधेयक की परिभाषा लिखी गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 110 में आपने पढ़ा होगा केंद्रीय के लिए, केंद्र के लिए धन विधेयक की परिभाषा थी, और उसमें वो लिखा हुआ था कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी स्वीकृति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाएगा कोई धन विधेयक। और वही बात यहाँ भी है कि राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही धन विधेयक को केवल और केवल पहले विधानसभा में रखा जाएगा। अगर विधानसभा में कोई धन विधेयक लाया जा रहा है तो सबसे पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, और धन विधेयक के मामले में सबसे ज़्यादा जो शक्ति प्रदान की गई है वो विधानसभा को दी गई है। जिस प्रकार लोकसभा में था, सबसे ज़्यादा शक्ति किसको दी गई थी? लोकसभा को दी गई थी धन विधेयक के मामले में, कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, लोकसभा में अगर पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के पास केवल 14 दिनों का समय होता है, 14 दिनों के अंदर उन्हें ये पास करना ही पड़ता है, उनके पास ना करने का कोई अधिकार नहीं है, वही बात यहाँ भी है। उसके बाद आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 में केंद्र और राज्य दोनों की आकस्मिकता निधि की बात की गई है, दोनों के लिए आकस्मिकता निधि की बात की हुई है। और आर्टिकल 267 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ कि राष्ट्रपति के पास केंद्र की आकस्मिकता निधि पर नियंत्रण होगा और राज्यपाल के पास राज्य की आकस्मिकता निधि पर नियंत्रण होगा। जैसे मेनली देखा जाए राज्य का खजाना वो किस में होगा? संचित निधि में होगा और आकस्मिकता निधि में होगा। अगर संचित निधि से पैसे निकालने हैं तो विधानमंडल में कानून पास करवाना पड़ेगा, अगर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है अब पैसों की जरूरत पड़ेगी सरकार को, कहाँ से निकालेंगे? आकस्मिकता निधि से निकालते हैं जो कि राज्यपाल के अंडर में होती है। ठीक है, वही बात केंद्र के लिए भी थी। उसके बाद आर्टिकल 202 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल प्रत्येक वर्ष हर वर्ष के शुरुआत में वित्त मंत्री के द्वारा बजट को विधानमंडल में रखवाते हैं। ठीक है, वही राष्ट्रपति के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा राज्यपाल ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करवाते हैं। आगे चलकर जब ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएँ पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आप समझेंगे वित्त आयोग के बारे में। फिलहाल ये याद रख लीजिए कि राज्यपाल पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए हर 5 वर्ष में एक बार वित्त आयोग का गठन करवाते हैं। उसके बाद न्यायिक शक्तियां क्या है इनके पास? आर्टिकल 161 में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है उसी प्रकार राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन अंतर ये है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति किसी को मृत्यु दंड मिल गया उसको पूरी तरीके से माफ़ करने का अधिकार उनके पास है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 217 में ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होगी। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है, आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 219 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल और उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, या राज्यपाल जिसे अधिकृत कर देंगे, जिसे अधिकार दे देंगे, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। व्यवहार में देखा जाए तो होता क्या है कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिला देते हैं।
ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करने के बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जो जिला न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट से विचार विमर्श करने के बाद करते हैं, आर्टिकल 233 में लिखा हुआ है। लेकिन वहीं आर्टिकल 234 में ये भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य न्यायिक अधिकारी हैं, जिला न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य न्यायिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। लेकिन इस संबंध में वो उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही ये फैसला लेते हैं, आर्टिकल 234 में ये लिखा हुआ है। तो ये थी राज्यपाल के बारे में सभी जानकारियाँ एक ही लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे होंगे, देख लीजिएगा। शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। नमस्कार।